वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का हमारा लेक्चर है इवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि मेटामेरिज्म क्या होता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल मेटामेरिज्म में क्या डिफरेंसेस है। फिर हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सीडो मेटामेरिज्म। फिर उसके बाद लास्ट में हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ट्रू मेटामेरिज्म। इंट्रोडक्शन। जो मेटामेरिज्म है उसको हम मेटामियर भी बोलते हैं, और मेटामियर एक ग्रीक वर्ड है जो डिराइव्ड हुआ है मेटा से। मेटा मीन्स आफ्टर और मिरोज मीन्स पार्ट। अब मेटामेरिज्म का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये किसी भी बायलेटरल एनिमल में, यानी हम एनालिडा की बात कर रहे हैं, फाइनम एनालिडा की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड इंटू ए लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर सेक्शन। जो सिमिलर सेक्शन होते हैं उसी को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। हर एक सेगमेंट को मेटामेरिज्म में हर एक सेगमेंट को हम मेटामियर बोलते हैं या सोमाइट बोलते हैं। अब हम इस मेटामेरिज्म को इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एनालिडा का एग्जाम्पल है या पिक्चर है। आप देख रहे हैं कि ये एंटीरियर रीजन है। एंटीरियर रीजन में हेड प्रेजेंट है, हेड को एक्रोन भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर रीजन में एनस प्रेजेंट है जिसको हम पाइजीडियम भी कहते हैं, यानी पोस्टीरियर रीजन इसका पाइजीडियम कहलाता है जिसमें एनस प्रेजेंट है। अब एक्रोन जो रीजन है इसमें क्या है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, आईज प्रेजेंट है और माउथ प्रेजेंट है। यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में क्या है, पाइजीडियम प्रेजेंट है जिसको हम जिसमें एनस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। हर एक सेगमेंट को सोमाइट या मेटामियर बोलते हैं और कलेक्टिवली हम इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के ड्यूरिंग जो अनअफेक्टेड होता है, जो कंटिन्यू रहता है हर एक सेगमेंट में। अब जो मेटामेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म में होता क्या है कि जो पाइजीडियम होता है, पाइजीडियम में सब यहाँ पे क्या है, एडिशन होता है न्यू सेगमेंट का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पाइजीडियम है वह के पास जो भी सेगमेंट होगा सबसे न्यूवेस्ट सेगमेंट होगा, यानी मेटामियर प्रेजेंट होगा, और जो है हेड रीजन यानी एंटीरियर रीजन के पास जो भी सेगमेंट प्रेजेंट होगा यानी मेटामियर प्रेजेंट होगा वो सबसे ओल्डेस्ट होगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है फर्स्ट हमने देखा है एनालिडा में देखा है, और मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन है आर्थोपोडा पे पाया जाता है, बट ये एक्सटर्नल होता है और वर्टिब्रेट्स पे पाया जाता है। ये वर्टिब्रेट्स में जो सेगमेंटेशन होता है वो इंटरनल होता है। और हमने मोलस्का का एक क्लास है मोनोप्लेकोफोरा, उसमें भी क्या है, हमने सेगमेंटेशन देखा है यानी मेटामेरिज्म देखा है। जो एनालिडा है इसमें जो मेटामेरिज्म है वो क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है, विजिबल सॉरी इंटरनली और एक्सटर्नली होता है। इस टाइप का जो मेटामेरिज्म होता है उसको होमोनोमस मेटामेरिज्म कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेटामेरिज्म के ड्यूरिंग जो भी मेटामेरिज्म होता है हर सेगमेंट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अनअफेक्टेड होते हुए कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द मेटामियर, ये प्रेजेंट होता है। आर्थोपोडा में जो मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है वो एक्सटर्नल होता है जिसको हेटरोनोमस मेटामेरिज्म बोलते हैं। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स होता है उसमें इंटरनल मेटामेरिज्म होता है, इसको भी हम हेटरोनोमस मेटामेरिज्म बोलते हैं। और ये मेटामेरिज्म जो वर्टिब्रेट्स में हमने देखा है मसल्स में, नर्व्स पे और कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं वर्टिब्री और रिब्स में, ये इंटरनल मेटामेरिज्म को हम देख सकते हैं। टाइप ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म और ट्रू मेटामेरिज्म। अब जो सीडो मेटामेरिज्म है ये फाइलम प्लेटेहेलमेंथिस में देखा और ये क्लास सिस्टोडा में देखा हमने। सिस्टोडा जो क्लास में है इसमें हमने सीडो मेटामेरिज्म को देखा। इस टाइप का जो सीडो मेटामेरिज्म जो हमने इस क्लास सिस्टोडा में देखा है इसमें हर एक सेगमेंट में जो
मेटामेरिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो रिपीटेड होते हैं, बट हर एक जो ऑर्गन होता है वो इंडिपेंडेंट क्या है, वर्क करता है. मतलब कहने का मतलब है कि जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं और ऑर्गन भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं. अब जो सीडोमेटामेरिज्म है, सीडोमेटामेरिज्म में जो न्यू सेगमेंट जो अराइज होता है या उसका फॉर्मेशन होता है वो नेक रीजन के पास होता है, और जो पोस्टीरियर रीजन के पास सबसे ओल्डेस्ट क्या है आपका सेगमेंट प्रेजेंट होता है. ट्रू मेटामेरिज्म में होता क्या है कि हर एक जो सेगमेंट होता है वो इक्वल शेप एंड साइज का होता है, और हर जो मेटामेरिक जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें नेफ्रिडिया, नर्व्स, मसल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और अपेंडेजेस ये क्या है या रिपीट होते हैं. और ये जितने भी जो मेटामेरिक जो सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं. तो और दूसरा है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ट्रू मेटामेरिज्म में पाइजिडियम के पास सबसे न्यूएस्ट क्या है आपका सेगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी मेटामियर प्रेजेंट होता है, और हेड रीजन यानी आपका एंटीरियर रीजन यानी आपका एक्रोन रीजन उसके पास सबसे ओल्डेस्ट मेटामियर सेगमेंट प्रेजेंट होता है. इवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो मेटामेरिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए हुआ है और ये इंडिपेंडेंट हुआ है. तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सीडो मेटामेरिज्म की, सीडो मेटामेरिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ. सीडो मेटामेरिज्म ये हमने प्लेटिहेलमिंथिस के क्लास सिस्टोडा में हमने देखा. इसका एक एग्जाम्पल टेप वॉर्म है, और इसको इसको सीडो मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी दी गई. उनमें से एक पहली थ्योरी है फिजन थ्योरी. फिजन थ्योरी पेरियर ने 1882 पे दिया. इसके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि जो सीडो मेटामेरिज्म है ये फ्लैट वॉल्व में अराइज हुआ, अराइज जो स्टेबलाइजेशन के थ्रू अराइज हुआ. स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि जो फ्लैट वॉल्व्स होते हैं उन फ्लैट वॉल्व्स में क्या होता है कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है. हर एक सेगमेंटेशन को प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है, और हर एक जो और कलेक्टिवली इन सभी प्रोग्लोटिड्स को स्टेबलाइजेशन बोलते हैं. और ये स्टेबलाइजेशन इसलिए हुआ है ताकि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. सेकेंड थ्योरी है सीडो मेटामेरिज्म में, सीडो मेटामेरिज्म थ्योरी बोलते हैं इसको. ये 1951 में हाइमन ने प्रपोज किया. उनका ये कहना था कि जो सीडो मेटामेरिज्म है ये इवॉल्व हुआ है टर्बुलेरियंस में, और उनमें सबसे पहले फर्स्ट सीरियल रिपीटेशन हुआ ऑर्गन्स का, और ये इसीलिए हुआ ताकि उनका रिप्रोडक्टिव्स ऑर्गन की जो है वो फिकंडिटी का रेट को इंक्रीज कर सके. इसके बाद ये देखा गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दिस ऑर्गन्स आर सेपरेटेड बाय द क्रॉस पार्टीशनिंग. ये जो ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन थे ये क्रॉस पार्टीशनिंग से ये सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन हुआ. जनरली जो हम देखते हैं कि जो टर्बुलेंस होते हैं उनमें सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देता है, बट जो ऑर्गन्स होते हैं वो सीरियली रिपीटेटेड होते हैं उनके बॉडी में यानी उनके सेगमेंट्स में. इवोल्यूशन ऑफ ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म को हम कहते हैं कि ये तीन फाइलम में देखा गया है, कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में देखा गया है. मेटामेरिज्म फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म इन एनालिडा. आरबी क्लार्क ने 1964 में प्रपोज किया लोकोमोशन थ्योरी को. इस लोकोमोशन थ्योरी में ये बताया गया है कि जो सबसे पहले जो क्या है कि मेटामेरिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एनालिडा में हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस फाइलम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के में ये कहा गया है कि जो फाइलम एनालिडा है उसमें जो पेरिस्टेलिक लोकोमोशन और बोरिंग की वजह से ही क्या है मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है. अब जो एनालिडा है उसमें हमें पता है कि टू टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, और ये जो मसल्स क्या होता है शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेरिस्टेलिक लोकोमोशन.
अब हमें पता है कि सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अगर पेरिस्टेलिक लोकोमोशन होगा तो ये क्या होगा कि इस सिलोम में बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट होगा जो कि पेरिस्टेलिक लोकोमोशन को क्या है कि सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जो पेरिस्टेलिक अगर लोकोमोशन होना है तो ये जो फ्लूइड है सिलोम के अंदर उनका क्या है सेपरेशन जरूरी था। तो इसीलिए क्या है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिब्रिलेशन ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये सेप्टा के थ्रू डिवाइड हो गए। अब सेप्टा के थ्रू डिवाइड होने की वजह से क्या हुआ, जो पेरिस्टेलिक लोकोमोशन की वजह से जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही पाया जाता है और पूरे होल बॉडी में वो प्रेशर नहीं मिलता है। ये मेरिस्मेटिक इवोल्यूशन का एक फायदा हुआ। फाइलम एनालिडा के जो कुछ लिविंग ऑर्गेनाइजम्स है वो बोरिंग को शो करते हैं, बोरिंग वो सैंड और मड में करते हैं। इसके लिए उनको हार्ड स्केलेटन की जरूरत तो होती है, बट हमें पता है कि जो फाइलम एनालिडा में लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उनके पास हार्ड स्केलेटन नहीं होते हैं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया, उन्होंने हाइड्रोलिक स्केलेटन का फॉर्मेशन किया अपनी बॉडी में, किसकी हेल्प से, सिलोमिक फ्लूइड और अनसेगमेंटल सेप्टा के थ्रू क्या हुआ हाइड्रोलिक स्केलेटन का फॉर्मेशन किया और वो बोरिंग करते थे सैंड और मड में इस हाइड्रोलिक स्केलेटन की मदद से। मेटामेरिज इन आर्थ्रोपोडा, ये बिलीव किया जाता है कि जो मेटामेरिज्म है आर्थ्रोपोडा में वो एनालिडा से क्या है इनहेरिट हुआ है, और इनहेरिट होने के बाद जो सेगमेंटेशन है वो क्या है मॉडिफाइड हो गए हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जो आर्थोपोडा है उनकी बॉडी में जो सेगमेंटेशन यानी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है तो ये स्पेशलाइज्ड हो गए बॉडी ऑर्गन को कुछ दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने में, जिसको हम विल्स्टन रूल कहते हैं। विल्स्टन रूल का मतलब है कि जो आर्थोपोडा के जो लिम्ब्स होते हैं वो क्या हो गए रिड्यूस्ड हो गए इन नंबर में और स्पेशलाइज्ड हो गए इन कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है कि जो एंटीना है वो भी क्या है अपेंडेजेस का एग्जांपल है, और ये माउथ पार्ट जो है वो अपेंडेजेस का मॉडिफिकेशन है, वॉकिंग लेग्स भी अपेंडेजेस का मॉडिफिकेशन है, स्विमिंग अपेंडेजेस और जो विंग्स होते हैं वो भी क्या है अपेंडेजेस का मॉडिफिकेशन है। हमने देखा है कि कुछ अपेंडेजेस में क्या है स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। मेटामेरिज्म इन कॉर्डेट्स, तो इसमें दो थ्योरी दी गई है, उसमें से फर्स्ट थ्योरी है क्लार्क लोकोमोशन थ्योरी। तो आरबी क्लार्क ने इसको 1964 में प्रपोज किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो मेटामेरिज्म है वो इवॉल्व हुआ इंडिपेंडेंटली कॉर्डेट्स में लोकोमोशन के लिए, और ये जो लोकोमोशन होता है हमने देखा है कि अनड्यूलेटिंग टाइप का लोकोमोशन होता है प्रिमिटिव एक्विटिक वर्टिब्रेट्स में। जो ये मेटामेरिज्म है ये अलाउ करता है मसल्स और मायोटोम्स को या और नर्व्स को अरेंज होने में सेगमेंटिकली फॉर ए बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए। साइक्लोमेरिज्म थ्योरी, साइक्लोमेरिज्म तो थ्योरी ये प्रपोज किया गया सेडविक के थ्रू 1864 में। उनका ये कहना था कि हम इसे इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिलेंट्रेट्स का एग्जांपल है। सिलेंट्रेट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एंटेरोसिलिक पाउचेस होते हैं जिसको गास्ट्रिक पाउचेस होते हैं, ये फोर होते हैं 1, 2, 3, 4 पाउचेस हो गए। ये पाउचेस क्या हो गए ये डिटैच हो गए, डिटैच होने के बाद क्या हो गए ये सिलोमिक कैविटी में कन्वर्ट हो गए। जैसे सिलोमिक कैविटी, जैसे ये प्रोटोसियोल कहलाता है, ये मेसोसियोल कहलाता है, ये मेटासियोल कहलाता है।
इसके बाद ये कहा गया कि इसी जो अनसेगमेंटेड जो सिलोम थे, इसी से जो सिलोमेट्स थे उनका क्या है इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। बाद में देखा कि ये जो प्रोटोसियोल है और मिजोसियोल है, यहाँ पे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गया, और डिजेनरेट होने के बाद जो मेटासियोल थे ये क्या हो गया, ये क्या है कि इनलार्ज होके ये क्या होने लगे, कंपार्टमेंट में कन्वर्ट होने लगे, जो जो कि हम एनालिडा फाइलम में हम देख सकते हैं इस तरीके का कंपार्टमेंटलाइजेशन। फिर बाद में मेटामेरिज्म, और इसमें मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन हुआ एनालिडा में। फिर उसके बाद हायर वर्टिब्रेट्स में ये क्या है, हायर वर्टिब्रेट्स एनालिडा से इवॉल्व हुए, यानी मेटामेरिज्म एनालिडा से इवॉल्व हुए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है, जो कि साइक्लोमेरिज्म थ्योरी कहा जाता है जिसे। आज हमने जो स्टडी किया इवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म में, इसमें हमने स्टडी किया कि मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, इसके बाद हमने स्टडी किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया सीडो मेटामेरिज्म और ट्रू मेटामेरिज्म को। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया इवोल्यूशन ऑफ सीडो मेटामेरिज्म, जिसमें हमने दो थ्योरी को स्टडी किया, फ्यूजन थ्योरी और सीडो मेटामेरिज्म थ्योरी। इसके बाद हमने लास्ट में हमने स्टडी किया इवोल्यूशन ऑफ टू मेटामेरिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया है मेटामेरिज्म इन एनालिडा, मेटामेरिज्म इन आर्थ्रोपोडा, और लास्ट में हमने डिस्कस किया मेटामेरिज्म इन कॉर्डेटा, जिसमें हमने टू थ्योरी को स्टडी करा, क्लार्क लोकोमोशन थ्योरी और साइक्लोमेरिक थ्योरी को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।